तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तनकीद की है कि बीआरएस हुकूमत ने रियासत के मुसलमानों को धोखा देने में 10 साल गुजारे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के मुसलमानों को बाप और बेटे ने सिर्फ दिलकश नारों और मीठी उर्दू ज़ुबान से धोखा दिया है। मोहम्मद शब्बीर अली ने कहा कि रिजर्वेशन फ़ीस रीएम्बर्समेंट और अखिलियती कॉलेजेस सब कुछ माजी में कांग्रेस हुकूमत ने दिया था और केसीआर ने कुछ नहीं दिया। उम्रा अदा करने आए शब्बीर अली ने कहा कि बीआरएस ने एक साजिश के तहत कमज़ोर तबकात और मुसलमानों को टिकट नहीं दिया ताकि मुस्लिम क़यादत और कमज़ोर तबकात को सियासी तौर पर आगे बढ़ने से रोका जा सके, और अगर दूसरों ने मुकाबला किया तो उन्हें हराने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल को केसीआर ने हैदराबाद के पुराने शहर तक लाने के लिए एक दहाई तक नज़रअंदाज किया, लेकिन कांग्रेस ने इख्तदार में आते ही इस पर तवज्जो मरकूज़ की। शब्बीर अली ने इंकशाफ किया कि हैदराबाद मेट्रो रेल के पहले मरहले के तहत 2000 करोड़ रुपए की तखमीना लागत के तहत MGBS से फलकनुमा तक पहले मरहले का जुमे को संगे बुनियाद रखा जाएगा, जिसको मखलिस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत शहर के तमाम इलाकों की तरक्की देगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की जानिब से तजवीज़ करदा इस रास्ते से न सिर्फ एयरपोर्ट तक आमदरफ्त आसान हो जाएगी बल्कि ये सबके लिए काबिल रसाई भी हो जाएगी। शब्बीर अली ने कहा कि आउटर रिंग रोड, जिसे कांग्रेस हुकूमत ने बनाया था और बल्ला गुड़े से होते हुए पुराने शहर के कई इलाकों को तरक्की दी गई थी, और अब हैदराबाद मेट्रो रेल का काम सिर्फ कांग्रेस हुकूमत के तहत ही आगे बढ़ा है। शब्बीर अली ने कहा कि रिजर्वेशन फ़ीस रीएम्बर्समेंट और अखिलियती कॉलेज, जिससे मुसलमानों की तरक्की में मदद मिली, वह सब माजी में कांग्रेस हुकूमत ने दिया था और केसीआर ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल समेत सरकारी वकीलों की तकरीरी में मुसलमानों को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि रियासती हज कमेटी को मुख्तस रकम में काबिल लिहाज तौर पर इजाफा किया गया है और काबिल कायदीन को वक्फ बोर्ड, उर्दू एकेडमी और अखिलियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदूर के तौर पर मुकर्रर किया गया है।